हेलो एवरीवन, आज एक और ब्रेड की रेसिपी लाई हूँ मैं। तो आज ये समा के चावल का पुलाव बना रहे हैं हम, जिनको आप मिनटों में बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टी लगता है। तो चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए गैस पे कढ़ाई रखती है और इसमें 2 चम्मच इसमें हमने तिल का तेल डाला है। आप जो तेल खाते हैं व्रत में आप वो यूज़ कर सकते हैं। और ये तेल गर्म हो चुका है तो अब इसमें हमने 100 ग्राम पनीर लिया है, ये इसमें डाल देंगे। इस तरीके से देखिए क्यूब्स में काटा है इसको, और इसको हम फ्राई कर लेंगे थोड़ा सा, जब तक ये गोल्डन सा नहीं हो जाता तब तक। ये देखिए फ्लेम को मीडियम रखेंगे, मीडियम फ्लेम पे फ्राई करें इसे अच्छे से। ये देखिए, और इसमें थोड़ा सा आधा चम्मच हम सेंधा नमक डाल रहे हैं ताकि जो ये पनीर है हमारा फीका ना रहे, थोड़ा सा इसमें टेस्ट आ जाए। और ये देखिए अच्छे से हमारा ये गोल्डन फ्राई हो चुका है पनीर, तो इसको निकाल लेते हैं। और इसके बाद हम फिर से तेल डालेंगे, तो ये 3 चम्मच तेल फिर से डाला है मैंने, तिल का ही तेल यूज़ करा है इसमें भी। तेल गर्म हो चुका है तो उसमें 1 चम्मच जीरा, 1 हरी इलायची, 3-4 लौंग और 5-6 हमने काली मिर्च डाली है साबुत, ये भी इसमें डाल देते हैं। और इनको और 2 हरी मिर्च और 1/2 चम्मच कद्दूकस करा हुआ अदरक, भून लेते हैं सभी को अच्छे से। और अब इसमें हम 1 टमाटर डालेंगे बारीक कटा हुआ, चला लेते हैं। और टमाटर को हमें पकाना नहीं है, बस थोड़ा सा भूनना है और इसके बाद हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। तो ये हमने 1 कटोरी समा के चावल लिए हैं। सबसे पहले इनको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए चावलों को वॉश कर लिया है, ये इसमें डाल देते हैं हम, अच्छे से डाल देंगे इसमें। और बहुत ही आसान रेसिपी है, आप झटपट से इसको बना सकते हैं, बहुत ही जल्दी बनने वाली रेसिपी है और बहुत ही टेस्टी। अच्छे से इसको पहले हम फ्राई कर लेते हैं 1-2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर। ये देखिए, और अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। तो ये हमने 1 कटोरी चावल लिया था तो उसका 2 कटोरी हमने पानी लिया है। मिक्स कर लेंगे, मतलब जितना भी आप चावल लें उसका डबल आपको पानी लेना है। और इसमें अब हम ये भुना हुआ जो हमने पनीर था वो उसमें डाल देंगे, और 1/2 चम्मच इसमें सेंधा नमक, नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अगर आप और वेजीज खाते हैं और सब्जियां खाते हैं व्रत में तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए मिक्स करके इसको अच्छे से ढक देंगे 5 मिनट के लिए। सिर्फ 5 मिनट में ही ये चावल हमारे तैयार हो जाते हैं। और ये देखिए 5 मिनट के बाद ढक्कन हटाया है तो हमारे जो चावल हैं आप देख सकते हैं अच्छे से एकदम पक चुके हैं, इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं है। ये देखिए मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ सबको अच्छे से। और ये देखिए जो समा के चावल का पुलाव है ये हमारा रेडी हो चुका है एकदम खाने के लिए। देखिए बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी और बहुत ही टेस्टी। आप इसको ग्रीन चटनी के साथ या फिर दही के साथ सर्व करें, बहुत ही टेस्टी लगता है। और इसमें अब हम थोड़ा सा ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे। और ये देखिए ये हमारा पुलाव एकदम तैयार है सर्व करने के लिए। और आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें, बहुत आसानी से बनने वाला है। और अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।